तो आज मैंने कहा मैं आपको अपनी सिलाई मशीन का जो है रिव्यू दे देती हूँ। ये कंप्यूटर और सिलाई मशीन है। जब मैं वीडियो कई दफ़ा अपलोड करूँ व्लॉग में तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप इसका रिव्यू दें। तो जो है ना इसका ये साइड पे जो है स्विच है ये बाहर निकालते हैं ऐसे, और इसके साथ उन्होंने एक अडॉप्टर दिया हुआ था। ये वाला बॉक्स नहीं उन्होंने दिया था, बॉक्स तो मेरा जो है ना वो मैंने खुद ही रखा हुआ। ये अडॉप्टर है, इसके अंदर यहाँ पर ऐसे लगाना है और ये स्विच लगा के यहाँ पर ऑन कर लेना है। मैंने ऑन की हुई है। यहाँ सबसे पहले देखने इसका यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर 9700 एप्रिकॉट, और ये सिंगर की है, ठीक है। ये इसका नेम जो मॉडल नंबर है कंप्यूटर 9700। यहाँ साइड के ऊपर इसका बटन है, यहाँ से ये ऑन ऑफ होती है। ये देखें यहाँ से ये ऑन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो चार बटन है, यहाँ से ये वाली जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये वाली जो यहाँ से बैक साइड पे रिवर्स चलती है। यहाँ पे एक ही दफ़ा अगर आपने एक टांका लगाना है, एक ही दफ़ा मतलब टांका लगाती है, और यहाँ से ये वाला जो है ये कैंची का जो यहाँ पे निशान बना है यहाँ से टांका कट करती है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखें स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद आपने इसी को बटन को दोबारा दबाना है तो रुक जाएगी। यहाँ से देखें ये दबाएँगे तो बैक साइड पर चलेगी, दबा के रखना है, ठीक है। यानी कि जब हमने टांका पक्का करना होता है ना, यानी कि जब हमने एंड करना होता है टांका, तो फिर हम रिवर्स चलाते हैं आगे पीछे एक दो दफ़ा चला के टांका पक्का करते हैं। तो ये उस तरीके उसके लिए बटन है, ये रिवर्स चलाने के लिए, रिवर्स चलती है इसको, ठीक है। और यहाँ से जो है ना, और ये वाला जो है यहाँ से ऐसे दबाएँगे तो ये कट कर देगी। ये देखें इसको ऊपर करेंगे और टांका निकाल लेंगे। ये देखें पे जो बटन दिया हुआ है, यहाँ से मशीन की स्पीड तेज़ और स्लो होती है। यहाँ से इधर को करेंगे तो स्लो हो जाएगी, इधर को करेंगे तो तेज़ हो जाएगी। मैं मोस्टली ज़्यादा फास्ट ही चलाती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना इसके ये धागा डालने की ऑप्शन है, और इधर यहाँ पर जो है ना बॉबिन डाल रख के बॉबिन फिल करते हैं। यहाँ से धागा डालना है, यहाँ से जो है ना एरो लगे हुए हैं किधर किधर को जाना है। यहाँ से मैं आपको एक दफ़ा डाल के दिखाती हूँ। यहाँ से देखें यहाँ पर ऐसे आपने लगाना है आगे वाली साइड पर, ये स्टॉपर इसके लगा देना, और फिर इसके बाद यहाँ से एरो ये लगा हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे आएंगे और फिर इधर से एरो नीचे जाएगा ऐसे। ये एरोज़ के ऊपर ऊपर आपने धागा डाल देना है, ठीक है। और फिर यहाँ से ऐसे हमारा जो है नीचे हम धागा डालेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आपने बॉबिन में धागा फिल करना है ना, तो यहाँ पे आपने बॉबिन में आपको लगा के दिखाती हूँ। ये आपने बॉबिन के ऊपर पहले थोड़ा सा धागा इसके ऊपर लपेट लेना है यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ से फिल करना है, और फिर ये वाला जो है ना ये जो डाला हुआ है ये लगा हुआ पेज था इसके ऊपर ऐसे, और उसके बाद आपने यहाँ पर बॉबिन को लगा देना है। ये देखें यहाँ पर लगा देना आपने ऐसे, और इसको आपने ऐसे कर देना, और फिर यहाँ से ये स्विच है इसका, यहाँ पे ये स्विच है, ये स्टार्ट का है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो बॉबिन जो है धागा स्टार्ट कर देंगे, देखें, ठीक है। यहाँ पर बॉबिन का साइन भी आ जाएगा, ठीक है। जब आपने निकालना है तो फिर यहाँ से आपने ऐसे निकाल लेना, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद जो है ना, अभी यहाँ से नीचे से देखें यहाँ पर मैंने डाला हुआ, अभी इसको ऐसे जो है ना यहाँ पे ये बॉबिन फिल होती है, ये इसके ऊपर कवर लगा हुआ, ठीक है। बॉबिन आपने यहाँ पे डालनी है ऐसे ऐसे ही। अब यहाँ पे ये कट है, इसके अंदर से धागा गुजार के दूसरी तरफ जाएगा, और यहाँ से हम जो धागा ऊपर निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे लगा देंगे दोबारा। अभी इसके जो स्टिचेज़ हैं उनका मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसके कुछ ये वाला जो है ये सिंपल जो हम स्टिचिंग करते हैं उसके लिए, अगर आपने साइड पे रख के स्टिचिंग करनी है, ये देखें यहाँ पर नीडल साइड पे है, ठीक है। अगर आपने ये सेंटर में करनी है नीडल, तो यहाँ पर ये सेंटर में, देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये साइड पे नीडल और फिर अब ये सेंटर में हो जाएगी ऐसे। मैं मोस्टली साइड पे रख के चलाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो है ये जिगजैग है, जब आप पीको करते हैं ना तो ये वाला टांका लगा के करते हैं, ठीक है। ये भी एक दो जो है वो सीधे से इस तरीके से टांके लगते हैं, जिस तरह का जो लगा हुआ है ना डिज़ाइन बना उसी तरह के बनते हैं ये वाले, जिस तरह के डिज़ाइन बने हैं, ठीक है। अगर मैंने ओवरलॉक करना होता ना तो मैं ओवरलॉक के लिए सेपरेट से दिया हुआ, लेकिन वो मैंने कभी फुट लगाया नहीं है, फुट दिया हुआ ओवरलॉक का, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करती, मैं ये जिगजैग ही करती हूँ। और यहाँ से जो है ना इसके साथ यहाँ से टांका जो है ना इसका टाइट होता है, तो मैं यहाँ से जो है ना टाइट कर लेती हूँ, टाइट हो जाएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। ये वाला जो है नीचे बॉबिन वाला टांका टाइट हो गया, यहाँ से टांका जो है ना ये छोटा बड़ा होता है, ये वाले जो बटन है यहाँ से बटनों से टांके भी सिलेक्ट होते हैं सारे। यहाँ पर दिखे और भी जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे, ठीक है। अगर आपने सिलाई वाला टांका जो है वो छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से होगा, यहाँ से बड़ा हो जाएगा। और ये थोड़ी सी क्लियर करने वाली है, मैं कर दूँ एक दफ़ा। यहाँ पे इसके जो है ना दिया हुआ है ये बटन दिया हुआ ब्लैक कलर का, इससे स्क्रीन जो है वो क्लियर होती है या डिम, ये देखें ये तो क्लियर हो गई है ना, ठीक है। अगर आपने डिम करनी है तो ऐसे इस बटन से क्लियर होती है। अभी मैंने क्लियर किया, अभी यहाँ पर जो है ना आप देख लें
ये यहाँ से टांका जो है वो छोटा बड़ा होता है, फिर इस बटन से छोटा होता है। यहाँ पर कुछ स्टिचेस दिए हुए हैं जो ऊपर एम्ब्रॉयडरी, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की इस तरह की सारी जो है ना एम्ब्रॉयडरी सीधी सीधी लाइनों में कर देती है। ये वाले जो है यहाँ से सिलेक्ट होते हैं आपने कौन सा करना है, ठीक है। यहाँ से होगा ये देखें, यहाँ पे आ जाएगा ये ऊपर जो चल आएगा ना ये वाला चलेगा, यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है तो फिर ये वाला चल जाएगा, दो इकट्ठे चलेंगे, ठीक है। फिर और करना है तो ये तीन, अगर आपने इसको दोबारा करें, अगर आपने ये थर्ड नंबर वाला चलाना है ना तो ये वाला चलेगा। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर मशीन को स्टार्ट कर देंगे। ये सारी स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो उनके सारे आ रहा होता है। यहाँ से मैं आपको एक टांका जो है ना ये सेकंड नंबर वाला, जो फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ से एक टांका मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पर ये वाला, अगर आपने पहले वाला करना है तो ये बटन दबाएंगे, दूसरे वाला बनाना है तो ये बटन दिखाएं। मैं सेकंड वाला बनाती हूँ, सेकंड बटन दिखाऊँ बना दबाती हूँ और यहाँ से जो है ना हम इसके ऊपर चलाएँगे इसको। ये फैब्रिक के ऊपर आपने एक बुकरम लगा लेना, उसके बाद हम इससे फिर ज़्यादा अच्छी नीटनेस आती है, सही तरीके से चलती है। ये वाली जो ये देखें, ये एक एम्ब्रॉयडरी इस तरह की करके दिखा दी है मैंने, अभी ये वाला मैंने किया था सेकंड वाला। अभी आप ये सिंपल सिलाई मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ से देखें, यहाँ से ये सिंपल वाली सिलाई किस तरह करते हैं, सिंपल स्टिचिंग इस तरीके से, ठीक है। अभी ये वाला जो है ज़िगज़ैग, ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, देख लें ये ज़िगज़ैग है। और इसके वाला जो है ये तीन इकट्ठे चलेंगे, ये डिज़ाइन इस तरीके से उसका बनेगा। ये देखें ये इस तरह जो है थोड़ी जैसे हम डबल करके धागा लगाते हैं ना, सिलाइयाँ लगाते हैं करके धागे से, उस तरीके से लगेगी यहाँ पर। यहाँ पर से मैं कुछ और स्टिचेज आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें मैं आपको ये वाला करके दिखाती हूँ, ये वाला नंबर डिज़ाइन जो है ना सिंपल इस तरीके से जो है ना ये बेल वगैरह बन सकती है। ये भी काफ़ी अच्छा स्टिच है, ये देखिए ये डबल उसने किया है, ज़िगज़ैग डबल की है। यहाँ से और मैं ऑप्शन दिखा दूँ आपको, ये फ्लावर वाला करके दिखा देती हूँ। ये वाली जो फ्लावर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको कहाँ से लिया था मैंने। ये इस तरह का छोटा सा फ्लावर बनेगा, ये देख ले। आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ से हमने दो डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं, फर्ज करें हम चाहते हैं कि पहले ये वाला डिज़ाइन बने और आगे ये वाला बने, या ये जो फ्लावर है पहले एक ये बने फिर ये बने, तो यहाँ से आपने फिर जो है ना वो दो सेलेक्ट करने हैं। ये देखें यहाँ से पहला एक ये सेलेक्ट करना है फर्स्ट नंबर पे, अगर आप फर्स्ट और सेकंड चाहते हैं तो आपने ये और सेकंड दबाना है, ठीक है। फिर दो इकट्ठे चलेंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिटेक्ट हो जाता है पहले नंबर पे जो है ना, जब हम ऑन यहाँ से ऑन करते हैं ना, अभी फर्स्ट डिटेक्ट हुआ साथ हमें सेकेंड भी चाहिए, तो ये देखें फर्स्ट और सेकेंड दोनों इकट्ठे चलेंगे। अगर आपको चाहिए कि थर्ड भी साथ चले तो फिर पहले फर्स्ट चलेगा सेकेंड और फिर थर्ड, इस तरीके से डिज़ाइन बनेगा। ये सारी जो है ना ये आप इस्तेमाल करते रहो ना मशीन, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता टांकों का जो वो आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से एम्ब्रॉयडरी होनी है, करनी है इसके साथ। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि दो डिज़ाइन जो है वो हम इकट्ठे जाते हैं कि पहले एक डिज़ाइन बने और उसके बाद फिर दूसरा बने। अभी ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरह का ये दो जो है वो इकट्ठे डिज़ाइन बने। पहले एक यहाँ से देख ले, ये देख पहले एक ये बना है स्टार हाफ जो है मून बना है, फिर एक लीफ जैसा बना है। अब ये मैंने दो इकट्ठे चलाए हैं, इसी तरीके से आपने तीन चलाने हैं तीन चला लें, चार चलाने हैं चार चला लें। लेकिन मोस्टली जो है ना वो मैं एक ही जो है इस तरह एक ही डिज़ाइन चलाती होती हूँ, क्योंकि एक तरह की बेल जो है मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे ये वाली अकेली हो गई या ये वाली अकेली हो गई, जो भी आप चाहें। अच्छा ये जो है ना ये मैंने जैपनीज सीविंग मशीन के नाम से पेज है फेसबुक पे, वहाँ से मैंने ली है ये सिलाई मशीन। और अभी तो आई थिंक इसकी प्राइस ज़्यादा हो गई, जब मैंने ली थी तीन चार साल बल्कि ज़्यादा साल होने वाले, तभी ये 10,000 की आई थी, लेकिन अभी थोड़ी सी इसकी प्राइस ज़्यादा है। और इसका मॉडल मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर 9700। यहाँ से जो है ना इसके साथ और दो तीन फुट दिए हुए थे, एक पीको का है एक ओवरला का, ये इसका बॉक्स है नीचे, ठीक है। इसके अंदर मैंने अभी फुट दिए हुए रखे हुए, ये वाला जो फुट है ना ये काज के लिए है साथ, ये एक जो है एक ये वाला फुट है ये भी, और इसके साथ एक प्लास्टिक वाला है, ये लैस लगाते हुए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे फिर लैस दबती नहीं है,
ये वाला जो फुट है ये है, इसके साथ पीको करते हुए इस्तेमाल करना था, पीको भी करती है। जब आपने पीको करनी है ना तो ये वाला फुट लगाना है और ये यहाँ से ये वाला स्टिच दबाना है, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो है ना पीको भी किसी और वीडियो में करके दिखा दूँगी। मैंने एक छोटा सा पेचकस भी दिया था, कुछ एक्सेसरीज और भी दी थी, एक ब्रश दिया था। अभी जो है ना पीको वाला फुट मैं आपको लगा कर, फुट चेंज करने का भी मैं आपको दिखा देती हूँ और फुट पीको वाला लगा के दिखाती हूँ। यहाँ से जो ना इसकी बैक साइड के ऊपर बटन है, ये देखिए यहाँ पर ये बटन है, ठीक है। इसको दबाएंगे ना आप तो फुट निकल आएगा। एक मिनट मैं आपको, फुट को आपने पहले ऊपर करना है, ये देखिए मैंने ऊपर किया, फिर इस बटन को दबाना है, ये फुट नीचे आ गया, ठीक है। जब आपने इसको लगाना है ना, जब फुट लगाना है तो फिर इसको भी ऐसे इसके ऊपर यहाँ पे बिल्कुल ये जो लगा हुआ है ना इसके नीचे रखना है ऐसे ऊपर, और इसके ऊपर इसको ऊपर से नीचे कर देना तो ये फुट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये इसका लीवर है ऊपर नीचे करने के लिए। अभी मैं आपको पीको वाला फुट लगा के दिखा देती हूँ। ये जो पहले वाला फुट था ये सिंपल सिलाई के लिए था, स्टिचिंग के लिए। यहाँ पर ये पीको वाला फुट हम लगाएंगे ऐसे, ठीक है। और एक फैब्रिक में आप यहाँ से लेंगे, इसको इसके अंदर ऐसे रखना है ऐसे, और पीको करने के लिए ऐसे रखना है, और यहाँ से ये वाला ऑप्शन करनी है पीको के लिए, ठीक है। ऐसे आप, ये थोड़ी सी मैंने चौड़ी करके पीको की है, लेकिन ये खद्दर के का मेरे पास कपड़ा है इसलिए ये पीको जो है ना वो थोड़ी सी मोटी हुई है। रेशमी जो दुपट्टे वगैरह आते हैं उनके ऊपर बिल्कुल ठीक होती है। स्टिचिंग के इसमें जो है ना ऑप्शन वो इतने अवेलेबल हैं, आई थिंक 32 हैं इसमें, या 20s या 30s की लाइन में है। लेकिन इनके पास और भी जो है ना वो ऑप्शन मशीनें हैं जिनमें ज़्यादा स्टिचेज हैं, लेकिन ये वाले जो है ना ये सिंपल इस तरीके से बेल ही बनाती है। यहाँ पर ये देखें जिस तरह की बनी हुई है ना, ये बेल्स इस तरह की बना देती है, और इसके अलावा ये छोटे बहुत अल्फाबेट बना देती है। लेकिन जो है ना ये फ्लावर, बड़े बड़े फ्लावर जो है ना इससे एम्ब्रॉयडरी उस तरह की नहीं होती, बस ये सिंपल बेल की एम्ब्रॉयडरी हो जाती है, जो मैं अक्सर अपने ड्रेसेस के ऊपर जो है ना पैनल्स के ऊपर या इस तरीके से नेक के ऊपर करती हूँ, तो वो इसी मशीन से करती हूँ। ये देख लें यहाँ से, लेकिन एम्ब्रॉयडरी करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे आपने बुकरम लगा के करनी है, फिर ज़्यादा जो है ना फाइन एम्ब्रॉयडरी होती है। अच्छा, इसकी जो बॉबिन है उसमें मैं एंकर का धागा, अगर जब एंकर के धागे से सिलाइयाँ लगाती हूँ ना तो इसकी बॉबिन में धागा फिल करती हूँ एंकर का, और उससे सिलाइयाँ लगाती हूँ। नीचे वाली साइड पे फैब्रिक के बुकरम लगाना है, मैंने अभी सिलाइयाँ लगाई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से लगाई हैं। यहाँ देख लें, यहाँ मैंने कुछ ये इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा के रखी हुई हैं, क्योंकि ये मैं एक ड्रेस जो है अपना स्टिच कर रही थी उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी थी। नीचे वाली साइड पे बुकरम लगाना है और धागा आपने बॉबिन में फिल करना है, और ये बुकरम वाली साइड ऊपर रखनी है, और ऊपर से जो है ना हमने सिलाई लगानी है, और फिर खुद ही जो है ना वो नीचे वाली साइड पर एंकर वाले धागे की सिलाई लगती जाएगी। यानी कि एंकर का धागा जो है ना वो हमने बॉबिन में फिल करना है। ये भी अक्सर लोग पूछते हैं कि एंकर का कौन सा धागा यूज़ करती हैं, इस तरह की नलकियाँ मिल जाती हैं। ये देखें, ये नलकी है, एंकर की धागा थोड़ा सा मोटा होता है। ऊन का या एंकर का जो भी धागा आपने यूज़ करना है ना तो वो बॉबिन में फिल करके आपने यूज़ करना है। अच्छा, जो फेसबुक का पेज है ना जिससे मैंने मंगवाई है वो जो है ना मैं ऐड कर दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किया करें, जो लोग चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में।